हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि वो अपने शीट वन के डेटा को शीट टू पे या शीट थ्री पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन बिना कॉपी पेस्ट किए। और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि जैसे वो शीट वन के ऊपर अपना कुछ डेटा है, अगर उसको कुछ अपडेट करेंगे, कुछ चेंजेस करें, तो वो अपने पास चेंजेस शीट टू के ऊपर और शीट थ्री के ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ होगा कैसे? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश, स्वागत करता हूँ आपका टेक्लाइक चैनल में, जहाँ पे आप सीखेंगे एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि कैसे आप शीट वन के डेटा को शीट टू पे या थ्री पे लेके जा सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए और आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने एक्सेल की एक फाइल ओपन करके रखी हुई जिसके अंदर मेरा कुछ डेटा बना हुआ है या कुछ टेबल बनी हुई है। अब मैं चाहता ये हूँ कि जो मेरे टेबल का डेटा है वो मेरे को शीट नंबर टू पे लेके जाना है, लेकिन शीट नंबर टू पे लेके जाने के लिए मैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता। और मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि मेरे शीट नंबर वन पे जो मैं डेटा जो शीट नंबर टू पे लेके गया हूँ वो आपके ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। जैसे मैं शीट नंबर वन पे जो भी चेंजेस करूँ उस लिस्ट के अंदर, तो मेरी शीट नंबर टू पे वो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो, आपके जो मेरा डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो फ्रेंड्स जहाँ पे भी आप उस डेटा को चाहते हो उस सेल पे जाके फर्स्ट आपको इक्वल टू प्रेस करना है। और इक्वल टू प्रेस करने के बाद क्या करना है, जो भी आपको डेटा चाहिए जिस सेल का भी आपको डेटा चाहिए वहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप क्लिक करोगे तो उस सेल का एड्रेस आपके फिर सेल के अंदर आ जाएगा। अब आपको प्रेस करना है एंटर। तो फ्रेंड्स जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो वो सेम टू सेम डेटा आपके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको जस्ट आपको ड्रैग करना है, और ड्रैग करने पर आपको क्या मिलेगा कि जो भी आपका डेटा है वो आपके एज इट इज़ कॉपी हो चुका है, वो भी आपके बिना कॉपी पेस्ट किए, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपके सेम शीट के अंदर। अब मेरे को दूसरी वाली शीट के अंदर ये डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो फ्रेंड्स अब मैं जाता हूँ शीट नंबर टू के ऊपर। और शीट नंबर टू के ऊपर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे भी आपको डेटा चाहिए वहाँ पे जाके इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद मैं शीट नंबर वन पे जाता हूँ, और शीट नंबर वन के बाद जो भी मेरा डेटा है उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपने क्लिक किया उस सेल के ऊपर और उसके बाद प्रेस करना है आपको एंटर। फ्रेंड्स एंटर प्रेस करने पर क्या होगा, जो भी आपका नेम होगा या जो भी आपका डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे ही आपके ट्रैक करता हूँ, तो ट्रैक करने पर क्या होगा कि जो भी आपका डेटा था जो आपके शीट नंबर वन पे था वो शीट नंबर टू के ऊपर एज इट इज़ वो डेटा कॉपी हो चुका है या फिर वो आ चुका है। अब देखते हैं जैसे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होता कि नहीं होता। जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पे आपके रमेश लिखा हुआ और यहाँ पे भी आपके रमेश लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपन कह सकते हैं रमेश की जगह राम। और जैसे मैंने यहाँ पे राम चेंजेस किया तो शीट नंबर थ्री के अंदर या शीट नंबर टू के अंदर जो मेरा नेम था वो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से किसी भी डेटा को एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपके एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर डेटा को आप लेकर जा सकते हो, वो भी बिना कॉपी पेस्ट किए। अब फ्रेंड्स अपन देखते हैं जैसे कि आपके सिंगल शीट के अंदर है या फिर सिंगल एक्सेल फाइल के अंदर और दूसरी एक्सेल फाइल के अंदर से आपको कुछ डेटा लेकर आना है और जिससे आपके डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो फ्रेंड्स वो चीज़ आप कैसे करोगे? तो फ्रेंड्स वो चीज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरी एक्सेल की एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जो मेरे किसी और जगह सेव है। जैसे मान लो ये वाली फाइल मेरे डेस्कटॉप पे सेव है तो दूसरी वाली फाइल मेरे सी ड्राइव के अंदर या डी ड्राइव के अंदर सेव है। तो फ्रेंड्स उस फाइल को मैं आपके ओपन करता हूँ, और ओपन करने पर क्या होगा, जहाँ पे भी आपको डेटा चाहिए या फिर जिस फाइल से भी आपको डेटा लेकर आना है, जैसे मेरे को ये लिस्ट आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ इक्वल टू। और फ्रेंड्स इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको दूसरी वाली शीट के ऊपर जाना है या दूसरी वाली फाइल के ऊपर जाना है, और जितना डेटा भी आपको चाहिए जितना पेस्ट करवाना है या फिर आपको जितना डेटा लेकर जाना है तो उस आपको पूरी कंप्लीट लिस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखना, आपको पूरी कंप्लीट लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा, जो अगर आप सिंगल नेम को सेलेक्ट करोगे तो वो चीज़ आपके लिस्ट नहीं आएगी। मैं पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेता हूँ। तो एंटर प्रेस करने पर क्या होगा, आपका सिर्फ सिंगल नेम ही आएगा, बाकी नेम नहीं आएंगे। और अगर आपको बाकी वाले नेम भी चाहिए या फिर बाकी वाले लिस्ट भी चाहिए तो जस्ट आपको उसको ट्रैक करना है। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे ट्रैक करोगे तो आपकी पूरी कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कि आपकी दूसरी वाली फाइल से या दूसरी वाली एक्सेल वर्कबुक से आई हुई है। अब जैसे मैं कुछ यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, अब चेंजेस के लिए जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने स्पीकर या कुछ मॉनिटर आपके लिखा हुआ है, अब जैसे मेरे पास यहाँ मॉनिटर लिखा होता हूँ या मॉनिटर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, मॉनिटर की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके बैटरी BATTERY। तो मैंने जैसे आपके पेन ड्राइव के ऊपर मैंने बैटरी को यहाँ पे चेंजेस किया, अब मैं दूसरी एक्सेल फाइल के ऊपर जाके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पेन ड्राइव के ऊपर जो मेरा नेम था बैटरी वो चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से किसी भी एक्सेल फाइल की आपके सेम एक्सेल फाइल या फिर दूसरी एक्सेल फाइल से किसी भी लिस्ट को लेकर आ सकते हो बिना कॉपी पेस्ट किए, और वो भी चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे उस लिस्ट के अंदर। अब आप जितनी बार भी चाहते हो उस डेटा को मैं लेकर आ सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपके इक्वल टू प्रेस किया, आपके इक्वल टू प्रेस करने के बाद मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया।
अब एंटर करने के बाद क्या होगा, जो भी आपका डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे राम लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे राम के अंदर सीता प्रेस करता हूँ, तो सीता लिखने पर क्या होगा, आपके जितनी जगह भी आपने उस लिस्ट को लेकर आए थे वहाँ पे सारी जगह ये ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से किसी भी लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, दूसरी शीट में लेके जा सकते हो, या दूसरी फाइल के अंदर लेके जा सकते हो, तो वहाँ पे वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको डेटा को डायरेक्टली आप शीट 1 से शीट 2 पे लेके जा सकते हो, शीट 3 पे लेके जा सकते हो एक सिंपल से फॉर्मूले से, और आपको कोई भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो को हमारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो फ्रेंड्स, और हमारे वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन सबको भी ये नॉलेज मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए थैंक यू।